हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, काफ़ी दिनों बाद मुझे वक्त मिला है किसी सेशन के लिए। तो आज के सेशन में कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके CGL 2018 मेंस के लिए और CGL 2019 प्री के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जो 18 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगा, वीडियो को ध्यान से देखकर उसके अंदर जो आपको पेन फ्री हैबिट्स बताई जाएगी उसको आप डेली रूटीन में लगाइए। जैसे कि आप में से कई बच्चे इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि भाई एडवांस पार्ट में आपकी स्पीड नहीं बन पाती, ठीक है, एडवांस पार्ट में आपको टाइम लगता है करने के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा कि भाई आपको ये समझना है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वो इस तरीके से डायग्राम में देखना है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको बार बार लिखे जाना है। जैसे हम डेली लाइफ में जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि लिखते बहुत ज़्यादा हैं, यानी एडवांस पार्ट के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप सीधे डायग्राम में कर सकते हैं। जैसे जैसे लास्ट तक जाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आप ये बात समझ जाएंगे कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, CGL 18 मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 19 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इसी डायरेक्शन में काम करें तो आगे तक जाके बहुत अच्छी स्पीड बन सकती है उनकी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज से। ज्योमेट्री का सेशन शुरू किया हमने, जिसमें सबसे पहले मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलरिटी की अगर बात करें यानी समरूपता। अब देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ एक चीज ऐसे ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज को जिंदगी में दोबारा से कभी ना पढ़ना पड़े, एक बार उसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सिमिलरिटी जो हो गई, इसका मतलब हो गया समरूपता। समरूपता का मतलब है एक जैसा दिखना। अब कॉन्ग्रेंसी एक और चीज होती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है एक जैसा होना, सिमिलरिटी का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने बोर्ड है और ये डस्टर है, तो ये सिमिलर है ये और ये, पर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं एक जैसा दिखना है, नहीं, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलरिटी के लिए देखिए, सिमिलरिटी जो पढ़ाई जा रही है उसका मेन यूज़ क्या है। जैसे कि आप देखते हैं ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, मैं आज की क्लास में ही आपको मेंस के क्वेश्चन दिखाऊंगा 17 के, ठीक है, जो आप देखेंगे केवल डायग्राम में आपको देखना है और सिमिलरिटी ऑब्जर्व करके आंसर मार्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले लिखेंगे ट्रायंगल ये इसके सिमिलर है, ये भाई ये इसके बराबर हो गया, ये भाई इसके बराबर हो गया, सीधा आंसर करना है। पर पहले उसके लिए बेसिक बात समझिए। सिमिलरिटी के अंदर देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, कई बार क्वेश्चन आपका राइटिंग ऑर्डर पे भी बन जाता है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइटिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको ये लिखना ही है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। आने वाले टाइम में आप इस पे क्वेश्चन देख भी सकते हैं। अगर आप देखते हैं कुछ एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखते हैं डबल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसके बेसिस पे आप दो ट्रायंगल को समरूप कह सकते हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। मेन आपकी ये है प्रॉपर्टी जिसपे भी इस क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। आप देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं दो ट्रायंगल है आपके सामने, ए बी सी और डी ई एफ, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ ई डी के, क्योंकि जो एंगल ए पर है वो एफ पर है, जो एंगल बी पर है वो ई पर है, ठीक है। तो ए बी सी एफ ई डी के सिमिलर हो जाएगा। आप इसे डी एफ नहीं लिख सकते, तो इसी का मतलब ही राइटिंग ऑर्डर होता है। यानी आप इसे सी बी ए नहीं लिख सकते, ए सी बी नहीं लिख सकते, जो जैसा है इसे वैसे लिखना पड़ेगा। यानी दो एंगल अगर सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ऐसे ट्रिपल ए का है एम एन ओ आर एस टी, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एम एन ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल टी आर एस के। ये हो गया आपका राइटिंग ऑर्डर, जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, जब आप सिमिलरिटी लिखते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस पे बेस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इस तरीके से आपको लिखना है। पर वैसे अगर आपको क्वेश्चन देखा मेंसुरेशन का या ज्योमेट्री का, तो ध्यान रखिए आप में से कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा इसे। लिखना नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है जैसे मैं दिखाऊंगा।
आज का पूरा सेशन देखने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि आपको आगे की डायरेक्शन में पेन फ्री कैसे काम करना है, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्री का क्वेश्चन हो। मेन बात यह कि पहले आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप एप्लीकेटिव पार्ट बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। ट्रिपल एस की बात करें तो अगर आप इसे लिख लेते हैं UVWXYZ, अगर UV/XY, VW/YZ, UW/XZ ये बराबर है, तीन साइड का रेशियो बराबर है तो आप कह सकते हैं UVW सिमिलर हो जाएगा XYZ के। ठीक है, ये तीसरी सिमिलरिटी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई आपकी। चौथी आ गई SAS। SAS का मतलब है दो साइड और इनके बीच वाला एंगल, ABC RST, ये इसके बराबर है, ये बाय ये, BC/ST बराबर हो गया CA/TR के, और ये वाला एंगल कॉमन दे रखा है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल RST के सिमिलर होगा। ये आ गई आपकी बेसिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है कि आप क्लास में सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, चीज़ों को समझिए कि आप किसकी चीज़ से सिमिलरिटी लगा सकते हैं और आगे इसका यूज़ क्या है। अब आगे आते हैं, तो ये बताया था आपको राइटिंग ऑर्डर, कि राइटिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है। अगर मैं आगे देखता हूँ, अब देखिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को राइटिंग ऑर्डर पे ना जाना पड़े। मैंने जैसा कि आपको बताया था ABCDEF, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये बीटा हो गया। ठीक है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तीनों एंगल आपके सेम है। अब आपको केवल ये देखना है, ये अल्फा है, अल्फा के सामने BC, अल्फा के सामने DF, तो BC/DF। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो एंगल सेम है उसके सामने वाली साइड का रेशियो सेम रहेगा। बीटा के सामने क्या है? AC, बीटा के सामने DE, क्योंकि पहली ऊपर वाली साइड हमने इस ट्राइंगल की ली है तो सारी साइड ऊपर वाले ट्राइंगल की लेनी पड़ेंगी ऊपर। आगे आप गामा के सामने देखते हैं AB, गामा के सामने देखते हैं EF। तो ये एक तरीका हो गया जो आपको ध्यान रखना है। अब होगा क्या, देखिए जो भी क्वेश्चन आप करेंगे आपने उसके अंदर देखना है दो एंगल, दो एंगल अगर आप देख लेते हैं जो इक्वल हैं। मेन कंसर्न ये रहता है कि आप टू एंगल्स इक्वल प्रिडिक्ट करें। ठीक है, दो एंगल अगर आपने इक्वल प्रिडिक्ट कर लिए, ठीक है, दो एंगल इक्वल का मतलब ये अल्फा ये अल्फा, ये बीटा ये बीटा, तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। उसके बाद आपको साइड का रेशियो बनाना है। अब देखिए आपने मान लेते हैं दो एंगल ले लिए, एक एंगल ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इनके सामने वाली साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा जैसे कि आपको बताया गया। तो देखिए चार वेरिएबल होगा, चार में से कोई तीन आपको दे रखे होंगे, चौथा आपसे पूछा होगा, हर बार ऐसा होगा लगभग। ठीक है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। इसे शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, बेसिक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ABC DEF ये आपको दे रखा है और आपसे पूछा है एंगल ई, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब बात को समझना है आपको ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, देखिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको एक बार आराम से समझना है, क्योंकि आगे जो एप्लीकेटिव पार्ट है, जैसे आपने ये इच्छा तो कर ली कि मेरा आंसर 10 सेकंड में आए या 15 सेकंड में आए या बिना पेन के आए, पर उसके लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है, जो प्रॉपर्टी है उस पर लगातार काम करना पड़ता है, जो उसका रिजल्ट जो होता है वो 5-10 सेकंड या 15 सेकंड का होता है, तो आपको इस चीज़ पे ही कमांड करनी है। पर उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको चीज़ एग्जैक्टली बताओ। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, इसका दो गुना ये, इसका दो गुना ये, इसका दो गुना ये, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया इस वाले ट्राइंगल के। इसके सामने क्या है?
60 डिग्री, तो इसके सामने भी 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके सामने क्या है 80 डिग्री, इसके सामने भी 80 डिग्री आ जाएगा, तो बचेगा क्या ये जो कि आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आपको कौन सा एंगल निकालना है जो 7.6 के सामने है, 7.6 के सामने कौन सा होगा जो 3.8 के सामने होगा। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं 3.8 के सामने कौन सा होगा 40, तो 7.6 के सामने क्या होगा 40, तो 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी पेन का यूज करेंगे और लिखेंगे चीज को पहले। आपको निकालना है बीडी, ठीक है, बीडी की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी ये निकालना है। सबसे पहले अगर आप देखें ध्यान से बहुत, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वो एंगल है जो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई इस ट्रायंगल के, इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, बराबर हैं तो सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी लगाने का तरीका देखिए, आप सिमिलरिटी किस तरीके से लगानी है आपको। अब आपने देखा तीन एंगल हैं किसी ट्रायंगल में जो होते हैं, इसमें भी तीन है, आपको वैल्यू निकालनी है ये। अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, इसके सामने वाला ये, ठीक है। और आपने देखा कि एक्स एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल जो है वो कॉमन तो है, पर इसके सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना आपको इसकी वैल्यू पता ना आपको इसकी वैल्यू पता। तो हमेशा ऐसे ही होगा, ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं जिसमें दो काम के होंगे एक काम का नहीं होगा, तो जो काम का नहीं है उसे आपको प्रिडिक्ट करके उसे हटाना पड़ेगा, बाकी दो पे काम करना पड़ेगा। अब आप यहां देखते हैं, अगर मैं बात करूं बचे ये दो एंगल, एक ये एक ये, इसके सामने 6 है, इसके सामने 9, 6 का डेढ़ गुना ये हो गया, ठीक है। जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है, बड़े में देखते हैं अब 13 है, और जो एंगल एक्स के सामने था वो क्या होगा, एंगल एक्स के सामने जो साइड होगी वो क्या होगी, डेढ़ गुना होगी, 13 का डेढ़ गुना हो गया 19.5, तो ये हो गया आपका 13.5, तो 13.5 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसके अंदर ना तो मैंने ये लिखा ए बी सी डी इसके सिमिलर है या डी ई एफ इसके सिमिलर है, ना मैंने ये लिखा कि ए बी बाई बी सी या सी डी बाई डी सी ऐसा किसी के बराबर होगा। सीधा आपको कॉन्सेप्ट बताया कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दिमाग में इतनी चीज होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। आपने देखा इसके आगे जो एंगल कॉमन नहीं था 6 है, जो एंगल एक्स कॉमन था उसके सामने 9, यानी डेढ़ गुना का रिलेशन हो गया, तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसके सामने 13 है तो एक्स के सामने कौन सी साइड होगी, इसकी डेढ़ गुना होगी जो कि 19.5 हो गई, तो ये लेंथ आपकी 13.5 आ गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप आगे मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो वो हम सीधा सीधा करेंगे। देखिए ये आपको दे रखा है और ये आपको निकालना है, ठीक है, यानी ये साइड निकालनी है ईसी। सबसे पहली बात तो यही है कि आप ऑब्जर्व करें चीजों में, जल्दबाजी नहीं करें। ऐसा नहीं है कि क्लास में ये कराया था या नोट्स में ये लिखा, ये सब दुनिया निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जैसा आपको पता है उसके हिसाब से करिए, उसको सोचिए बैठ के कि इसमें क्या हो सकता है। आपने देखा ये 57 डिग्री, तो ये भी 57 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल कॉमन हो गया। सेम उसी टाइप का कॉन्सेप्ट बन गया, दो एंगल इसमें कॉमन, दो एंगल इसमें कॉमन, तो सिमिलरिटी आप लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं जो एंगल ये वाला कॉमन था, इसके सामने वाली भुजा किसी काम की नहीं है हमारे, तो इस पे आपको गौर नहीं करना है, बाकी बचे दो एंगल पे करना है। इसके सामने 10, इसके सामने 12, तो यानी कितना हो गया, 10
को 12 कैसे बनाया जाएगा, 1.2 से इंटू करके। तो आप अगर इस वाली साइड को 20 को 1.2 से इंटू करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 होता है, तो 24 में से 10 ये है तो 40 नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो पार्ट था सिमिलरिटी का बेसिक पे, यानी ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। जिस ऐसा होता है, देखिए कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में जिसमें सॉल्यूशन तो सब निकाल लेंगे, सिमिलरिटी लगाना बड़ी बात थोड़ी है, आपका तरीका क्या है लगाने का वो बहुत मैटर करता है। यानी अगर मेरी कमांड इस तरीके से है तो मेरे को इसमें देखना है और सीधा नंबर लिखना है, ना तो मैंने सिमिलरिटी लिखी ना मैंने लिखा रेशियो। तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, 90% क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 17 मेंस का, क्वेश्चन अच्छा है। दिए गए चित्र में बी और सी केंद्र है, देखिए लैंग्वेज में बड़ी नहीं लिख रहा हूं, वो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर से ही देखिएगा। रेडियस का रेशियो दे रखा है 3:5, AC 40 दे रखा है, तो DE का मान बताना है आपको। DE का मान बताना है आपको, AC 40 दे रखा है, R 3:5। अब देखिए सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो आपको समझ के रखनी है हर बार के लिए। जब आपको ये पता है एक ट्रायंगल है, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक रेखा समांतर खींच देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए बार बार ना आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ये सेशन बनाए जाते हैं ना केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि आप इन्हें समझिए। अगर आप लिखते रहेंगे ना तो जिंदगी भर आपके नोट्स भरते रहेंगे, केवल आप वो नोट्स घर पे ही रखे जाएंगे। आप सीखिए, कला सीखिए इस चीज को कि आपको बनाना किस तरीके से है, ठीक है। क्योंकि वही चीज आपके साथ आगे जाएगी, नोट्स आपके घर पे ही रह जाने हैं। अब वही चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, देखिए एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है, पैरेलल लाइन है, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये एंगल कॉमन हो जाता है। तो ये वाला ट्राइंगल हमेशा बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा, पहली बात ये हमेशा माननीय कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात अगर आप देखते हैं क्या है वो ये है, अगर मान लेते हैं 3 है ये 5 है, 3:5, 3:5 का मतलब ये होता है कि भाई अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो सारी साइड 3:5 के रेशियो में होंगे, ये 3 ये 5 है, तो ये 3 ये पूरा 5 होगा, ये 3 ये पूरा 5 होगा, ठीक है। इसके आगे अब मान लेते हैं मैंने आपको दे दिया 14 है ये, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे आप इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट निकालनी है, कुछ भी नहीं लिखना, ABCD। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ट्रायंगल में भी ABCD नहीं लिखा, वो कुछ नहीं लिखना आपको, वो आदत पूरी हटाइए। आपने देखा 3 ये 5 ये, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 3 यूनिट ये 5 यूनिट ये, अंतर यहाँ पर दे रखा है यानी 2 यूनिट का, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 14 है तो 3 यूनिट की कितनी होगी, 21 हो जाएगी, तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ देखता हूँ, मान लेते हैं ये आपको दे रखा है 20, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने, ठीक है, कि आपको समझाने के लिए। कई बार ऐसा होगा आपको ये साइड गिवन होगी ये निकालनी होगी, ये गिवन होगी ये निकालनी होगी, कोई भी कुछ भी निकालना हो, सिर्फ डायग्राम देखना है और मार्क करना है। 2 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, क्योंकि 5 और 3 में अंतर कितना हो गया 2 का, 2 की वैल्यू 20 है तो 3 की 30 हो जाएगी, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरिटी आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है, ABCD हमें कुछ भी नहीं पता। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये आपका 17 मेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से देखने वाला पार्ट ये है, ये 90 ये 90, जितना आप घर पे कोशिश करेंगे डायग्राम के अंदर क्वेश्चन करने की उतना बेटर रहेगा। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में अगर आपको स्पीड बनानी है तो ध्यान रखिए ये मूल मंत्र है ज्योमेट्री मेंसुरेशन का, कि आप डायग्राम देखिए उसके अंदर प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी दिमाग में लगाई जाती है, नोटबुक में नहीं लगाई जाती। ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक में पहले लिख रहे हैं ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है AB/BC CD/DC, ऐसा कुछ नहीं लिखना,
यहाँ पर देखना है इसके अंदर, ध्यान से बात समझिएगा। देखिए 3:5 का मतलब है ये 3 ये 5, 3 और 5 यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एसी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है जो कि है आपकी 40, ये आपको 40 दे रखा है। अब देखिए जब ये 3:5 में है तो ये भी तो 3:5 में होंगे, ये 3 ये पूरा 5, तो 5 की वैल्यू 40 है, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है, यानी 2 यूनिट आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5, 5 ये पूरी है, 5 की वैल्यू 40, 3 की 24, 2 की 16। अब आप देखते हैं 16 का मतलब है 3:5 था, ये 3:5 का मतलब 8 की वैल्यू 16 है, तो 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। यानी मेंस में जो आप में से काफ़ी बच्चे बैठ रहे हैं वो इन चीज़ों पे ध्यान दें कि खाली कोचिंग वगैरह से कुछ नहीं होगा, आपको चीज़ों को अपनाना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिखे जा रहे हैं, आप देखिएगा आप आगे भी मैं मेंस के क्वेश्चन लाऊंगा और आपको केवल डायग्राम में करना है, जो प्रॉपर्टी वगैरह हम क्लास में नोट्स में लिखते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आपको केवल दिमाग में करनी है और केवल वैल्यू लिखनी है। आपने देखा ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, देखिए 2 सर्कल अगर हैं, ये टेंजेंट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है इसका 2√R1R2, तो 2√60 आ गया, 2√60 का मतलब है 4 बाहर आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 4√15, तो 4√15 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर मैंने आपके लिए लिखा गया केवल और केवल नंबर्स, नंबर्स के अलावा कुछ नहीं, कोई ABC नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं, कोई रेशियो नहीं, केवल डायरेक्ट आपने करना है और इसी के हिसाब से आपको आंसर मार्क करना है। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखिए ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 17 में इसका ही क्वेश्चन, ABC एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं देखिए जो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, पर मेन बात यह है कि आप रूटीन में इसमें नहीं है, रूटीन में आप लगातार लिख रहे हैं तो रूटीन में लिखेंगे तो एग्जाम में भी लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका ABC, 2 सर्कल है इसके अंदर, कोण ACB का मान दे रखा है आपको 60 डिग्री, इसका रेडियस दे रखा है 2, इसका रेडियस आपको निकालना है R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब ध्यान से अगर देखने वाली बात है तो ये है कि अगर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, अगर ये 60 डिग्री है, अगर मैं ये यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ, ये 30 हो गया, ये 2 है तो ये 2, ये R, ये 90, अभी 90, 30 और 60 का राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, 30 के सामने अगर 2 है तो 90 के सामने क्या होता है इसका 2 गुना यानी 4, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो छोटी छोटी हैं, यानी यही आपकी स्पीड बढ़ाएंगे। अगर आप एक बार समझ गए ना, बड़े बड़े क्वेश्चन में आप साइड केवल डायरेक्ट डायरेक्ट लिखेंगे कि इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, पर वो समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिमिलरिटी तो पता लग गई फिर आप नाम लिख रहे हैं फिर रेशियो लिख रहे हैं 4√R+2 या 2√R+A, ऐसा कुछ ही नहीं लिखना। ध्यान से समझिए, आपने एक बात देखी कि ये वाला ट्रायंगल, देखिए हर बच्चे का ना समझने का तरीका अलग होता है, ठीक है, और टीचर्स का भी आप कह सकते हैं कि समझाने का तरीका भी अलग अलग रहता है। मेरा तरीका ये रहता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट उस चीज़ पे पहुंचे ना जिससे रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट वाली चीज़ आप कैसे पा सकते हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस पर आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले मैंने सबसे पहले बेसिक सी चीज़ बताई आपको कि भाई ये चीज़ ये है। अब इसका एप्लीकेटिव पार्ट देखिए, जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आता है कि भाई इसे पढ़ने का फ़ायदा क्या, ऐसा क्या होगा कि मैंने, आप वीडियो जैसे देख रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ फ़ायदा हुआ भी है नहीं है, क्या मैं उसे लगा भी पा रहा हूँ कहीं या नहीं लगा पा रहा हूँ। आप देखिए जैसे आपने आज की वीडियो देखी है पूरी, ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करिए सिमिलरिटी वगैरह पे या ट्रायंगल्स के अंदर क्वेश्चन करिए और आप देखिए कितनी जगह ऐसी है जो आप पेन फ्री कर पाते हैं, और डेली रूटीन में उसे हैबिट बनाइए। जैसे कि आप ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल जो है इस वाले के समरूप होगा, ठीक है, 90-90 एंगल कॉमन। यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि अगर ये 2 है तो ये 4 है, यानी इसका 2 गुना है ये, जब इसका 2 गुना ये है तो R का 2 गुना ये होगा पूरा,
ये आर है तो ये पूरा क्या होगा, टू आर होगा, टू आर में से आर तो ये हो गया, बचा आर कौन सा है ये, तो आर की वैल्यू सिक्स आ जाएगी। आप देखिएगा 17 में इसमें क्वेश्चन है ही नहीं है, 17 में इसमें आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको डायरेक्ट देखना है, कुछ नहीं करना, ये डायग्राम डायग्राम में देखने वाले क्वेश्चन होते हैं, और आपके पहले से प्रैक्टिस अच्छी है तो ही वो काम हो जाता है कि भाई 10 सेकंड में, 5 सेकंड में या 15 सेकंड में आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, अदरवाइज तो बिल्कुल भूल जाइए। और वो प्रैक्टिस जब अच्छी होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, तो कॉन्सेप्ट पे काम करिए पहले, फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई करिए, हैबिट बनाइए पेन फ्री। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आपको लिखवा रहा है या आप घर पे भी खुद लिखे जा रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं ए बी सी इसके सिमिलर है या ए रेशियो इसके बराबर है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, अगला क्वेश्चन भी आपका 17 मेंस का ही लिया है मैंने। मैं 17 मेंस के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जिससे आपको ये फायदा भी पता लगे कि ये सिमिलरिटी जो आपको पढ़ाई गई है इसका यूज आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तीन व्रत आपको दे रखे हैं, O1, O2, O3, इसका रेडियस आपको दे रखा है 4, इसका दे रखा है 6, इसका दे रखा है 9, वैल्यू निकालनी है आपको PC की, ठीक है। PC की आपको वैल्यू निकालनी है, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको पूरी। सबसे पहली बात, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि तीन सर्कल अगर टच कर रहे हैं तो इनका रेडियस जो है आपका जीपी सीरीज में होगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4, 6, 9, यानी इसका डेढ़ गुना ये, इसका डेढ़ गुना ये, ठीक है। 4 का डेढ़ गुना हो गया 6, 6 का डेढ़ गुना 9, तो यानी यहाँ पर साइड में भी ये रिलेशन रहेगा, इस साइड का डेढ़ गुना ये रहेगा और इस वाली साइड का डेढ़ गुना ये रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 4, ये 6, ये 4 और ये 6, अगर मैं पूछता हूँ ये कितना आएगा, ठीक है, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई जो आपकी 2√R1R2 था, यानी 2√24, यानी 4√6, ठीक है, ये 4√6 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी तो हम लगा रहे हैं पर वो दिमाग में लगा रहे हैं, उसके लिए हम लिख कुछ नहीं रहे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और उसी को आप देख रहे हैं। अब आप देखते हैं 4:6, यानी जो 2 यूनिट का अंतर आ गया उसकी वैल्यू हो गई 4√6, 2 यूनिट का जो अंतर आया उसकी 4√6, 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 8√6, ठीक है, तो ये 8√6 हो गई, टोटल कितनी हो गई 12√6। ऐसा कैसे, देखिए आपने ये देखा ये 8√6 हो गया, 4√6, 12√6, अब आपको पीसी निकालना है, देखिए इसका डेढ़ गुना ये हो गया, इसका डेढ़ गुना ये आ जाएगा, तो 18√6 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 मेंस का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, पेपर में देखिएगा 17 मेंस में, पर डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसी है, कि आपकी रूटीन हैबिट ऐसी भी है, केवल आपके वीडियो देखने से सोल्यूशन नहीं बनेगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं आप देख लेंगे तो आप कर पाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, आपको डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इन चीज़ों की आदत बनानी पड़ेगी। जब तक आदत नहीं बनेगी तब तक एग्जाम में कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने भी ये रूटीन हैबिट अपनी बनाई थी अपने टाइम में, जो मुझे लगता है कि एडवांस पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, कि अगर मैं इस इंपॉर्टेंट टास्क पे काम करता हूँ, जैसे मैंने सपने तो देख लिए पेन फ्री हैबिट्स के, ठीक है, कि मुझे पेन फ्री करना है, पेन फ्री के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट अच्छा करने के बाद आपके अंदर एक विल पावर चाहिए कि हाँ मुझे पेन फ्री करना है। आंसर तो देखिए कोई भी निकाल लेगा, 18√6 निकाला मैंने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। मेन बात यह है कि आप डायग्राम देख के इस तरीके से आंसर निकालें, एडवांस पार्ट की यही स्ट्रेंथ है, मेंसुरेशन हो ज्योमेट्री हो मैक्सिमम जगह आपको यही करना है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी जगह यही करना होता है। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार, देखिए 4 है 6 है ये 9 है, इसका डेढ़ गुना, इसका डेढ़ गुना, आप ये भी देख सकते थे, देखिए ये 4 है ये 6 है, डेढ़ गुना, यानी 1 अगर ये होगा तो आधा ये होगा, आधा अगर ये है तो 1 ये हो गया, यानी 8√6 हो गया ये, ठीक है, इसका दुगना। फिर आप देख सकते हैं 12 का डेढ़ गुना 18√6, ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार इसी के अंदर एक सर्कल और बना हुआ आ जाए जी,
अब ऐसा थोड़ी है कि हर बार फिक्स ही क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी चेंज हो सकता है, चेंज के लिए हमेशा तैयार रहिए। मैंने पहले भी वीडियोस जो डाली हैं उसमें सारा चेंज पे ही है काफी सारी चीजें। अब आपसे ये पूछ लिया कि यहां से यहां तक निकालना है, ठीक है, फिर आप देखेंगे इसको अगेन आप डेढ़ गुना से गुणा कर देंगे, डेढ़ गुना हो गया यानी 27√6, तो 27√6 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी एक सर्कल और बढ़ सकता है। तो ये सारे चेंजेस हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो भी बच्चे 18 मेंस देने वाले हैं, मेंस देने वालों को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहिए। जैसे पहले की वीडियोस भी आप देखेंगे मैं चेंज पे ही वीडियो डालता हूँ, वो चेंज बहुत जरूरी है। देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर अटके कभी सिलेक्शन नहीं आता और ना किसी बच्चे का आ सकता। चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, एक लेवल ऊपर ही सोचना पड़ेगा। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो कैट लेवल की थिंकिंग रखनी पड़ेगी आपको कम से कम, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हमने ये देखा कि भाई एडवांस मैथ यानी ज्योमेट्री की बेसिक सी चीज यानी सिमिलरिटी को, सिमिलरिटी का बेसिक इस्तेमाल करके हम कितनी जगह ऐसा कर सकते हैं कि पेन फ्री हैबिट केवल नंबर लिख के ही आप साइड निकाल सकते हैं। यानी वो आदत हटाइए कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, वो आपके घर पे रह जाना है। बार बार अगर एग्जाम में लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।